वॉलीबॉल प्रतियोगिता के आज के कार्यक्रम में सम्मानित मंच, सम्मानित खिलाड़ी साथियों, सम्मानित युवा दोस्त, आज की एक दिवसीय वॉलीबॉल के प्रतियोगिता का आज का समापन नो डाउट बहुत शानदार और जानदार दोनों टीमें खेली। ये चांस की बात होती है दोस्तों, दोनों बराबर की टीम थी। देव और किसान कॉलोनी, और चांस लगा किसान कॉलोनी का। मैं धन्यवाद दोनों टीमों को देना चाहूंगा कि जितने बच्चे आज की इस प्रतियोगिता में खेल समापन पे खेल रहे थे, उन्होंने बहुत सुंदर खेल दिखाया। वैसे आपका ये सुबह आगाज हुआ था, काफी मैचेज आज इस पूरे दिन में आपके चले, एक लंबा सफर आपने तय किया और उस सफर के बाद में आप फाइनल तक आए, और जैसा फाइनल होना चाहिए वैसा ही फाइनल आपने खेला। और दोस्तों, मैं जितने भी आज की इस खेल प्रतियोगिता में वॉलीबॉल के प्लेयर खेले हैं, बहुत बेहतरीन प्रतिभाएं धीरे धीरे, जब से हमारे इस अंचल में ये खेल अकेडमियां अपने जिम्मे इस खेल को लिया है, तब से हमारा इस अंचल का वॉलीबॉल का खेल एकाएक निखरता जा रहा है। और मैं सर्वप्रथम देव डिफेंस एकेडमी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। इस शुरुआती दौर में इसी एकेडमी ने इस वॉलीबॉल को आगे बढ़ाया। आपने बहुत मेहनत की है, लंबे समय से आपकी एकेडमी यहां संचालित है, छोटे छोटे प्रतिभाओं को आपने तराशा है। मैं व्यक्ति से भी खिलाड़ियों से निवेदन करना चाहूंगा कि दोस्तों, जिस खेल को आप खेलते हैं, तकरीबन सारे लोग आपके नियमों को जानते हैं, दर्शक भी आपके खेल को ठीक से समझते हैं, छोटे छोटे गांव ढाणियों में भी आपके इस खेल को खेला जाता है। एक समय के साथ कैसे खेल की ओर गति हम बढ़ाएं, उसमें भी धीरे धीरे चेंज आने लगे हैं। पहले जब हम वॉलीबॉल को देखा करते थे, सर्विस करने वाला प्लेयर जब सर्विस करता था, नेट के जैसे बॉल टच होती थी वो फाउल करा दिया जाता था। आजकल ये नियम नहीं है, नेट को टच करते हुए भी यदि बॉल सामने वाले पाले में चली जाती है तो उसको सही करार दिया जाता है। आप पैर से भी उठा सकते हैं, उसको भी राइट करार दिया जाता है। ये सब कुछ इस खेल को कैसे तेजी दी जाए या कैसे इस खेल में रोमांच पैदा किया जाए, इसलिए धीरे धीरे चेंजेज इस खेलों में आए हैं। मेरे स्वयं के खेल में भी बहुत सारे चेंज आए। पहले के समय हम जो बास्केटबॉल खेला करते थे, 20+20 का मैचेज किया कर होते थे। अब समय के साथ साथ 10-10-10-10 के चार सेट होते हैं, बहुत स्पीड के गेम होते हैं। और पूरी दुनिया में धीरे धीरे खेलों में एकाएक गति आने लगी।
हमारे जो छोटे छोटे बच्चे जब खेला करते हैं, पहले जिस खेल को खेलते थे आज के खेल में बहुत फर्क आया है। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत मेहनत किया करते हैं, चाहे जिम करने पड़े, चाहे सुबह शाम एक पे दौड़ना पड़े, सब प्रयास करते हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत प्रतिस्पर्धा है। सामने वाली टीमें आया करती हैं, बहुत अच्छी टीम आती है। इसलिए मैं जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, ये आपका शुरुआती दौर है, एक छोटा टूर्नामेंट आपका है। जब आपको और बड़े टूर्नामेंट मिलने लग जाएंगे, दूर से हमारे हरियाणा के बच्चे खेल रहे थे, बहुत डिसिप्लिन में खेल रहे थे, हालांकि लोकल बच्चे भी बहुत अच्छे खेल रहे थे। हमारे एम्पायर जो निर्णय दे रहे थे उस निर्णय को आपने अक्सर से स्वीकार आपने किया। ये खेल का हिस्सा होता है। हम नियमित रूप से कहा करते हैं कि दोस्तों, हार जीत खेल का हिस्सा होता है। दो टीमें जब खेला करके एक टीम को तो हारना ही हारना है, और खेल में निराश में नहीं होना चाहिए। जब आप खेलते हैं सुबह, जब हारते हैं, लीग का जब टूर्नामेंट आपका होता है, हमारा भी लीग का टूर्नामेंट होता है, और वो हारने वाली टीम कई बार फाइनल की विजेता बनती है, चाहे क्रिकेट को भी आप नियमित रूप से देखते हैं, इसलिए ये खेल के हिस्से होते हैं। आप कैसा खेलते हैं, कैसी मेहनत करते हैं, कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आपके चांस लगते हैं, आपको बड़े टूर्नामेंट मिलते हैं, नेशनल जाते हैं, नेशनल के बाद में आप उससे भी बड़ा टूर्नामेंट आपके भारत के टीम में जब आपका चयन हो जाता है, आप उस परफॉर्मेंस को कैसे कायम रख पाते हैं। इसलिए